गाइस इस वीडियो देखने के बाद आप भी एक क्लिक में अपना फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो गाइस एकदम फुल HD में, ठीक है। अगर बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ एक क्लिक में तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, कमेंट में आकर गाली देना एंड चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। लेकिन अगर एक क्लिक के अंदर बैकग्राउंड रिमूव हो गया वो भी फुल HD में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ, लेट्स बिगिन। सो गाइस आप लोगों को सबसे पहले मोबाइल पर आ जाना है एंड कोई सा एक ब्राउजर ओपन कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। एंड पर सर्च बार पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है remove.bg, ठीक है। तो आपको remove.bg लिख कर आपको गो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, ठीक है गाइस। ये वाला वेबसाइट जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ कैसे ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस अपलोड इमेज वाले बोल के एक ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर ही काम है। तो मैं यहाँ पर नीचे लेकर दिखा देता हूँ आप लोग कैसा है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट आप लोगों को बता देता है कि यहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इस वेबसाइट को। तो सिंपली यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर कुछ परमिशन आएगा उसको आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आप जिस फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हो उस फोटो का को सिंपली सेव कर लेना है, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है गाइस। एंड सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर डन पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा एंड इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो गाइस एक क्लिक के अंदर फोटो की बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है पूरी तरीके से। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस नीचे दो वाला दो ऑप्शन है, ठीक है, डाउनलोड एंड डाउनलोड HD, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपको फिर से दोबारा डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये फोटो अपना मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस फोटो डाउनलोड हो गया है एंड सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ और एक ऑप्शन है डाउनलोड HD, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फुल HD में इस फोटो की बैकग्राउंड को रिमूव हो जाएगा एंड सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो ऑन क्रिएट लिखा हुआ है एंड साइन अप फॉर फ्री, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आप जीमेल डाल के आप साइन अप करोगे तो आपको फ्री में ये देगा, ठीक है गाइस, HD में बैकग्राउंड रिमूव करके, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे देना है यहाँ पर एंड उसका पासवर्ड दे देना है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी टाइप कर दे हूँ एंड सिंपली मैं पासवर्ड को दोबारा टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से टाइप कर लेता हूँ अपना पासवर्ड। सो गाइस पासवर्ड दे देने के बाद यहाँ पर दो जो बॉक्स है उसका आपको टिक लगा देना है एंड आपको साइन अप पर सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी है वो चेक करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आप मैं यहाँ पर जाऊँगा मेरा ईमेल ऐप पे, ठीक है, एंड चेक कर लूँगा, ठीक है। वहाँ पर आपको एक्टिव नाउ पे क्लिक कर देना है सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर बैक कर देता हूँ एंड आ गया ईमेल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सिंपली देख सकते हो गाइस ईमेल आ चुका है, सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस कुछ लोडिंग लेगा एंड यहाँ पर नीचे की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ पर एक्टिव अकाउंट पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोग एक्टिव अकाउंट पे क्लिक करोगे तो अगर इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आने के बाद क्या करना है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, थ्री जो लाइन से यहाँ पर एंड यहाँ पर remove.bg डैशबोर्ड बोल के जो ऑप्शन है, ठीक है, वहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लोग देख सकते हो गाइस ये लोग बता रहे हैं कि यू आर साइंड अप, ठीक है, मतलब यहाँ पर ईमेल आईडी देखकर साइन अप हो गया है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर वन इमेज फ्री यहाँ पर देख सकते हो गाइस एंड 50 AI इमेज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसा तो छोड़ देना है, सिंपली यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है एंड आप जिस फोटो के बैकग्राउंड को HD में रिमूव करना चाहते हो उस फोटो का आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है फिर से दोबारा, ठीक है। उस सब देख सकते हो गाइस यहाँ पर रिमूव हो चुका है बैकग्राउंड एंड सिंपली आपको नीचे की तरफ आ जाना है एंड यहाँ पर आपको अभी क्लिक कर देना है डाउनलोड HD में, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा एंड सिंपली आप देख सकते हो गाइस ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है एंड सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ऑन क्रेडिट बैलेंस, मतलब अगर एक बार एक ईमेल आईडी से साइन अप करोगे तो आपको एक ही क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फोटो डाउनलोड हो चुका है जैसे आप लोग देख सकते हो गाइस फुल HD में एंड मैं अभी गैलरी में लेके आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस, गैलरी में जाके कि कैसे इरेज हुआ है, ठीक है गाइस, अच्छे तरीके से इरेज हुआ या नहीं। सिंपली मैंने गैलरी ओपन कर लूँ एंड गाइस देख सकते हो गाइस ये HD वाला है, ठीक है गाइस, एकदम अच्छे तरीके से इरेज हो चुका है बैकग्राउंड एंड ये नॉन HD वाला, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा दिखने में। तो मैं अभी पिक्सआर्ट ऐप में आप लोगों को जाकर दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस, कैसे लग रहे दिखने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको मैं कट कर देता हूँ एंड सिंपली मैं ओपन कर लेता हूँ पिक्सआर्ट ऐप, ठीक है। तो मैंने पिक्सआर्ट ऐप में बैकग्राउंड ओपन कर लिया हूँ एंड सिंपली एडवर्ड भी गया हूँ एंड अब देख सकते हो गाइस ये हमारा फर्स्ट फोटो है, ठीक है, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये नॉन HD है, ठीक है गाइस, HD नहीं है ये एंड सिंपली आप लोग देख सकते हो गाइस ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। मैं इसको राइट पर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर उतना अच्छा नहीं लग रहा दिखने में, मतलब HD है नहीं ना इसलिए। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ एंड अभी मैं HD वाला जो कटआउट किया था उसको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है HD वाला, ठीक है, एंड ये नॉर्मल वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर HD वाला को सिलेक्ट कर लूँ एंड सिंपली ऐड पर क्लिक कर दे। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, इसका क्वालिटी बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ है।
सो आज का वीडियो हमारा इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना एक लाइक, चैनल पर पहला बार दबा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, ठीक है, क्योंकि उसे भी इस ट्रिक्स को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।